राइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध जटिल ऑपरेशन क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज राइजन हॉस्पिटल जलविहार कॉलोनी कटोतला रायपुर। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, देखते हैं। बैठक में चर्चा हुई और सभी हमारे विधायकों की उपस्थिति में, नेता प्रतिपक्ष जी की उपस्थिति में चर्चा हुई और जिस विषय को लेकर कांग्रेस विशेष सत्र बुलाया, जो निश्चित रूप से दो सत्र के बीच में और कोई कौन सी इतनी इमरजेंसी या आपातकाल आ गया था कि विशेष सत्र बुलाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ऐसे सत्र तभी बुलाए जाते हैं जब कोई आपात स्थिति रहती है। कोई तर्क और कोई कारण नहीं, और कारण बता रहे हैं कि धान खरीदी हमको करना है, धान खरीदी 1 दिसंबर को करना है और अभी इसके लिए धान खरीदी का इसे संबंध क्या, सोसाइटी धान खरीदती है और धान खरीदने की व्यवस्था होती है, इस कानून का, इस बिल का कोई उससे न लेना या न देना। तो ये एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इस सारे विधायक अपनी बात को रखेंगे, औचित्य के विषय में भी प्रश्न रखेंगे और जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं इस एक्ट के संबंध में, उसकी कानूनी वैधानिक जो गड़बड़ियां हैं उस विषय को लेकर एक एक सदस्य से बोलेंगे और अध्यक्ष जी से भी हम आग्रह करेंगे कि ये विषय जो केंद्र सरकार ने यदि कोई कानून बना दिया है, कानून बनने के बाद राज्य सरकार का कितना अधिकार रहता है उसी विषय में कानून बनाने का, इस विषय को लेकर प्रश्न भी आएगा। जी सर, दंडाधिकारी मंत्री ये कह रहे हैं कि केवल राज्य ने जो कानून बनाया था मंडी को लेकर उसमें संशोधन किया है, केंद्र के कानून से छेड़छाड़ नहीं कर रहे। केंद्र कानून को छेड़खानी करने का अधिकार ऐसे भी राज्य सरकार को नहीं है और ये केंद्र सरकार ने जो एक्ट लाया है वो वाणिज्य और उद्योग से रिलेटेड है, उससे संबंधित है, उस विषय को राज्य का अधिकारी नहीं है कि उसमें कोई कानून बनाए। सरकार जो है जो नाला सामने आया था पिछले दिनों, उस टेंडर को रद्द कर दिया गया है, क्या मानते हैं? अभी जांच कमेटी जो बनाई थी उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई। केंद्र सरकार से 7 करोड़ मिले हैं, उसका बंदरबांट पूरी तरीके से शुरू हो गया है। कोई अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है, कोई अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है और पूरी तरीके से 7 करोड़ का कितना ज़्यादा से ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए, इस विषय को लेकर झगड़ा है। कोई जांच के लिए कमेटी बना रहा है, कोई उसको टेंडर निरस्त कर रहा है, कुल मिला के न उसमें पारदर्शिता है। इस विषय को लेकर खैर इस विधानसभा में तो चर्चा नहीं होगी, हमारी गंभीर विषय है, लोगों के पानी पेयजल के विषय है, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए।